गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? तो गाइज, ये वीडियो मैं इतनी सुबह सुबह इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल किसी ने कमेंट में ये लिखा था कि कुछ लोगों की हारमोनियस यूनियन 2 साल के अंदर ही हो जाती है, ठीक है? तो उनकी बातों से तो मैं 100% मतलब बिल्कुल भी मैं अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ क्योंकि खुद मैं इस जर्नी में हूँ। मुझे इस जर्नी में 8 साल 9 साल हो चुकी है। तो मतलब कल की वीडियो में मैं बताई थी कि इस जर्नी के बारे में जानने के लिए मुझे 5 साल लगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है, ठीक है? इससे पहले मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ठीक है? तो इस जर्नी के बारे में जानने से पहले हम दोनों इस 3D वाली रिलेशनशिप में थे, ठीक है? मतलब बस जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप, ठीक है, उसी तरह के रिलेशनशिप में थे, ठीक है? तो उसके बाद जब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला तो उसके बाद मेरी स्पिरिचुअल असेंशन हुई, मेरी अवेकनिंग हुई एंड मैं अपना इनोवा किया क्योंकि मैं फाइनेंशियली पूरी तरह वीक थी। मेरी करियर में स्टेबल नहीं थी, मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है? तो मनी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर, ठीक है? तो और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे, जैसे कि फियर का इशू, इमोशनल इशू, ट्रस्ट का इशू। हम दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे, मतलब एक जो बोलते हैं ना पूरा एक न्यू जर्नी, ठीक है, जो न्यूली अवेकेंड सोल है उसके जो जर्नी होता है कि वो दोनों पहले बबल लव फेज में आते हैं, उसके बाद मिररिंग, ट्रिगरिंग, रनर चेसर, सेपरेशन, ये सारे फेजेस में मैं गो थ्रू कर चुकी हूँ, ठीक है? तो मुझे अपने ऊपर काम करते हुए 2 साल लगे हैं, मतलब 2020 में मेरी अवेकनिंग हुई, उसके बाद मैं 2 साल अपने ऊपर काम किया और उसके बाद 2022 में हम दोनों का यूनियन पहली बार हुआ इस 3D में, हम दोनों मिले, ठीक है? उससे पहले हम दोनों कभी भी फिजिकली नहीं मिले थे, ठीक है? तो उसके बाद फिर मैं अभी भी अपना इनोवा कर रही हूँ क्योंकि आगे हम दोनों की परमानेंट यूनियन होने वाली है। जब हो जाएगी तो हम दोनों साथ में आएंगे आप सभी के साथ बात करने के लिए, ओके? तो जो भी ये बोल रही हैं कि 2 साल के अंदर हारमोनियस यूनियन हो जाता है, तो आप लोग किसी और की स्टोरी को सुन के यहाँ मत बोलिए, ठीक है? क्योंकि ये जर्नी में मैं खुद हूँ, ये मेरी सारे मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ ये सब मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, ठीक है? एंड इसका एक एग्जांपल भी मैं उनको देके समझाई थी कि सपोज आप प्रेग्नेंट है तो आपको पता नहीं चलता पहले कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, ठीक है? उससे कंफर्म करने के लिए आप प्रेगनेंसी का किट यूज़ करते हो और उसमें कुछ साइन दिखता है तो आपको पता चलता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट है, ठीक है? तो आपके अंदर कुछ चीज़ें बन रही है तो आपको कंफर्मेशन भी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, उसके लिए आपको कुछ टेस्ट भी करना पड़ता है, ठीक है? तो आप खुद बताइए कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जिस जर्नी में आप बिल्कुल नया है, मतलब पूरी तरह नया है ये जर्नी आपके लिए, ठीक है? तो उसको कंफर्म करने के लिए आपको कुछ साइन मिलता है, डिवाइन आपको कुछ साइन देता है कि यस आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है? और उसके बाद सपोज उस प्रेगनेंसी की एग्जांपल को ले लीजिए कि आपको 1 महीने 2 महीने हो गए प्रेगनेंसी में और क्या आप 3 महीने में बच्चा को डिलीवरी कर दोगे? नहीं ना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ओके? आप 2-4 महीने में एक बच्चा को जन्म नहीं दे सकते, चाहे आप कितना भी मेडिसिन क्यों ना यूज़ करो, उसे ग्रो करवाने के लिए आप कितने भी सारे ड्रग्स क्यों ना यूज़ करो, आप कभी भी एक बच्चा को 4-5 महीने में जन्म नहीं दे सकते क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, सब कुछ बनने के लिए कुछ टाइम लगता है, ठीक है? अगर जन्म हो गया ना तो वो मिसकैरेज हो उसको बोलते हैं, वो एक कंप्लीट चाइल्ड नहीं होगा, ठीक है? तो ये जर्नी भी कुछ उसी तरह की है, ठीक है? तो देखिएगा, जब कोई मदर प्रेग्नेंट होता है तो उसके अंदर जो बच्चा जो बढ़ रहा होता है तो वो क्या मतलब लगभग उसको 7 महीने तो लगता है पूरी तरह, वो बच्चा का जो बॉडी पार्ट्स बनने में 7 महीने तो लग जाती है, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है कि उसके मतलब उसके आँखें, उसके जो भी बाकी रह गए जो हेयर, ये सब लास्ट में होता है, ठीक है? तो जब 7 महीने हो जाता है तो वो बच्चा क्या अंदर से पूरी तरह उसकी जो बॉडी है पूरी तरह बन के तैयार हो जाता है, बट कुछ ऐसे होता है उसमें प्राण जो बोलते हैं ना उसकी सोल उसके अंदर आती है,
बहुत सारे कुछ होता है, मुझे उतना पता नहीं है। 9 महीने 10 महीने, देखिएगा इस 9 महीने में एक बेबी बॉय जन्म होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है एक बेबी गर्ल को जन्म होने के लिए, क्योंकि जो गर्ल्स होते हैं उनके जो बॉडी पार्ट्स कुछ अलग से तरीके से भगवान डिजाइन किया हुआ होता है, तो जो बेबी गर्ल होता है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, जो 10 महीने में जन्म होता है या फिर 9 महीने के बाद कुछ टाइम लगता है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम एक बेबी गर्ल को लगता है। ओके, तो आप खुद बताइए कि आप इनर वर्क करेंगे और 2 साल के अंदर कैसे आपकी रीयूनियन हो जाएगी, कैसे आपकी हारमोनियस यूनियन हो जाएगी, ठीक है। देखिए गाइस, जैसे इस 3D में मतलब एक मदर अपने बच्चा को अपनी कोख में पाल रही होती है, 9 महीने तक उसे कैरी करके रखती है और उसके बाद जब वो बच्चा पूरी तरह बन जाता है तो उसको डिलीवरी करती है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह आप दोनों, मतलब आप और आपकी ट्विन, आप दोनों की भी उसी तरह से एक प्रोसेसिंग होता है, एक एसेंशन प्रोसेस होता है, मतलब आप दोनों की एसेंशन प्रोसेस मदर अर्थ की उम में होता है, ठीक है। इसलिए जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तो आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाता है, आप एक इसी जगह रह जाते हो, मतलब आपको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक अंधेरी घर में बंद हो गए हैं, ठीक है, तो वही आपकी कोख है, ठीक है, वही आपकी जो मदर है ना, जो आपकी मम्मी है उसकी कोख है, ठीक है। इसलिए आपको उसी टाइम मतलब हर चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा दिखता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आती है, आप एक जगह पूरी तरह भटकते रहते हो। ओके, आप इस चीज़ को रिलेट करके देखिए। ओके, आपके अंदर जो भी चीज़ें हो रही है ना मदर अर्थ में, वही सारी चीज़ें होती है, जैसे एक माँ अपनी बच्चा को अपनी कोख में पाल रही होती है, उसी तरह मदर अर्थ भी हम सभी को, जिन लोगों की अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है उनको अपनी कोख में पाल रही होती है, ठीक है। तो जब आप अपना इनर वर्क पूरी तरह कंप्लीट कर दोगे, जब आप पूरी तरह तैयार हो जाओगे यूनियन के लिए, तो आपको ज़रूर, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ज़रूर आपकी ट्विन के साथ यूनियन कराएगा, ठीक है, आप दोनों ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। जैसे सपोज एक मम्मी उसके अंदर ट्विन्स बेबी है, ठीक है, तो वो दोनों ट्विन्स एक साथ बाहर नहीं निकलते, पहले एक बेबी का डिलीवरी होता है उसके बाद फिर दूसरा वाला डिलीवरी होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह पहले एक आपकी अवेकनिंग होती है या फिर आपकी ट्विन की अवेकनिंग होती है, उसके पीछे पीछे आपका दूसरा जो आउटर ट्विन है उसकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, पहले आप पूरी तरह अवेकन हो जाते हो, उसके बाद दूसरा अवेकन होकर आपके पीछे पीछे आता है, ठीक है। ये जर्नी इसी तरह की चलती है, आप इसे रिलेट करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब वो टाइम आ जाएगा ना तो आप खुद को भी नहीं रोक पाओगे, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आपकी यूनियन का टाइम आ जाएगा, जब वो डिवाइनल टाइम आ जाएगा, जब सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा, तो आपकी जो यूनियन है आपकी यूनियन को कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आप यूनियन के लिए पूरी तरह तैयार हो और डिवाइन कैसे भी करके आपकी यूनियन को करवाएगा। ओके, जैसे कि सपोज वही प्रेगनेंस का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, सपोज आपके अंदर आपका जो बेबी है वो पूरी तरह बन चुका है और 9 महीने हो चुकी है, तो उसको अब बाहर निकलना होगा, उसको डिलीवरी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसे ज़बरदस्ती रोक के नहीं रख सकते आपके अंदर, ठीक है, अगर आप रोक लोगे ना तो आपकी ही डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको, उन लोगों को मैं ये एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ। ओके, सो ये जो जर्नी है, आपको हर एक साल में कुछ नया सीखने को मिलता है। ओके, आपकी जो कॉन्शियसनेस है ये एक्सपांड करती है, धीरे धीरे करके एक्सपांड करती है, ठीक है। आप अभी इनर वर्क कर स्टार्ट किया है तो आपको अभी मोक्ष नहीं मिल जाएगी। ओके, आप इनर वर्क में पहले, मतलब आपकी जो भी छोटे छोटे जो छोटा बड़ा जो इशू होता है, जो फियर का इशू, इमोशनल इशू, ये सारे इशू पहले क्लियर होती है, उसके बाद आपकी जो कॉन्शियसनेस है ये हायर डायमेंशन में शिफ्ट होती है, उसके बाद आपकी मोक्ष की जर्नी स्टार्ट होती है, आप यूनियन, इनर यूनियन में आते हो, आपकी हारमोनियस यूनियन होता है, ठीक है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि 1-2 साल में यूनियन हो जाती है हारमोनियस यूनियन, मैं उन लोगों की बातों से बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे बाकी लोग ही स्टोरी को सुन के अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। आप अगर अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कि आपकी यूनियन 2 साल में हो जाएगी, तो आप पूरी तरह लोअर वाइब्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है।
ओके तो आप अपनी जर्नी को एक्सपीरियंस करिए कि आपको क्या एक्सपीरियंस मिल रही है। ओके तो मुझे तो इस जर्नी में 8-9 साल लग गई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो जर्नी है ये थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, ठीक है। ये स्लो प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब आपको सारे चीज़ें अच्छे से एक्सपीरियंस करने को मिलता है, ठीक है। तो आप अगर बोल रहे हैं कि 2 साल में हो जाएगी, वो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो हाईली आउटकंट्रोल होते हैं, अगर उनको वो जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तो वो उनको क्या मतलब, उनको उनकी फास्ट लाइफ की मेमोरी याद आ जाती है कि उनको कौन कौन सा ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो हो सकता है, मतलब 1% चांसेस है कि आप इस जर्नी में आए, मतलब किसके साथ रिलेशनशिप में आए जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और आपको तब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता भी नहीं था, तो आप इनर वर्क किए और 2 साल के अंदर आपकी परमानेंट यूनियन, मतलब हार्मोनियस यूनियन हो गई। देखिए गाइस, हार्मोनियस यूनियन का मतलब आपको आपकी जब यूनियन आपकी ट्विन के साथ हो जाएगी, तो उसके बाद आप दोनों कभी भी सेपरेशन में गो थ्रू नहीं करेंगे। इसको हार्मोनियस यूनियन कहा जाता है, ठीक है। ये मोक्ष की जर्नी है, ठीक है। मोक्ष के रास्ते में जब आप निकल पड़ते हैं तो आप हार्मोनी में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी ट्विन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप दोनों फिर से अलग हो जाए तो, ठीक है। आपको उनकी क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं होगी, इसको हार्मोनियस यूनियन कहा जाता है, ठीक है। बट जो लोग अपना काम कर रहे हैं, इनोवा कर रहे हैं, एंड उसके बाद अपनी ट्विन के साथ यूनियन हो जाती है, और उसके बाद फिर से अगर सेपरेशन में गो थ्रू उनको करना पड़ता है, तो फिर से वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो फिर से अपनी ट्विन को मैनिफेस्ट करते हैं, उनके साथ यूनियन में आने के लिए बहुत सारे इनोवा करते हैं। अगर उसी बीच उस इनोवा के बाद भी फिर से उनकी जो ट्विन है वो उनकी लाइफ में वापस नहीं आती है, तो वो लोग थर्ड पार्टी में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हार्मोनियस यूनियन नहीं कहा जाता है, इसलिए ये जो जर्नी है, मैं ये बोल रही हूँ कि इसमें टाइम टेकिंग लगता है, टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ लोगों को 7 से 8 साल लग जाती है, तो कुछ लोगों को 9 से 10 साल लग जाती है, ठीक है। तो आप अगर मेरी बातों से अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग इस जर्नी में आए और 2 साल के बाद आपकी परमानेंट यूनियन होगी, आपकी हार्मोनियस यूनियन होगी, और उसके बाद आपकी जो स्पिरिचुअल सॉरी आपकी जो मोक्ष की जर्नी है वो अगर स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैम हमारी हार्मोनियस यूनियन 2 साल के अंदर हो चुकी है, ताकि बाकी जो लोग हैं उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिले। और आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग ऐसा कौन सा इनोवा किए हैं जिसके वजह से आपकी यूनियन, आपकी हार्मोनियस यूनियन 2 साल के अंदर हो गई है, ताकि मैं भी कुछ ऐसा इनोवा करूं, क्योंकि मैं सच में मुझे इस जर्नी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, और वेल मैं इस जर्नी को अच्छे से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्योंकि मैं सच में इतने सारे एक्सपीरियंस किया है। तो आगे क्या होने वाला है, मुझे इसमें कोई जल्दीबाजी करनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो जर्नी है ये एक डिवाइन जर्नी है, तो डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ होगा, ठीक है। सो आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछे, ताकि मैं भी आप लोगों की सवालों से कुछ जवाब ढूंढ सकूँ। ओके सो कीप डूइंग योर यू नो वर्क एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड इन दिस जर्नी।